मैं टूर गाइड शरत राउत राय आज गोपालपुर में ऐसा एक मंदिर में हूँ जो मंदिर को वेणुगोपाल स्वामी मंदिर के नाम से जाना जाता है और ये बहुत पुराना मंदिर है। ये जगन्नाथ कृष्ण को समर्पण किया गया है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मंदिर कितना पुराना है और उसका बोर्ड भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा गया है ये 1895 में इनाग्रेट हुआ था और मुझे अनुमति मिला उसलिए मैं अंदर लेके आपको थोड़ा दिखा रहा हूँ वेणुगोपाल स्वामी का मूर्ति। ये देखिए ये गर्भगृह, ये अपना नाट्य मंडप है। नाट्य मंडप कितना सुंदर है। उसके बाद आपका ऑफरिंग हॉल है। गर्भगृह के अंदर भगवान कृष्ण खड़े हैं और दोनों तरफ और कृष्ण जी की दोनों तरफ रुक्मणी और सत्यभामा खड़े हैं। कितना सुंदर सा ये मंदिर है। आइए गोपालपुर घूमिए और गोपालपुर का ये मंदिर को भी देखिए। और इसके साथ बहुत सारे नज़दीक में मंदिर है। एक तरफ लक्ष्मी जी का मंदिर है, एक तरफ तुलसी जी का मंदिर है। चलिए मैं आगे लेके चलता हूँ। ये मंदिर के अंदर ही आपको बाएं तरफ पड़ेगा लक्ष्मी जी का मंदिर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दाहिनी तरफ तुलसी जी का मंदिर है, उस तरफ मैं लेके चल रहा हूँ आपको। दाएं तरफ मंदिर का मैं आया हूँ जहाँ पे तुलसी जी का मंदिर है। देखिए कितना सुंदर सा है मूर्ति सब यहाँ पे रखा गया है और हर दिन सुबह यहाँ पे भजन कीर्तन होता है और इसका जो आर्किटेक्चरिंग स्टाइल है बहुत सुंदर है और बहुत नीट एंड क्लीन करके इसको रखा गया है। ये देखिए बाहर एक बड़ा सा डोनेशन बॉक्स भी रखा गया है जिसमें भक्त आते हैं तो कुछ डाल के दान जाते हैं। कितना पुराना और कितना यूनिक ये डोनेशन बॉक्स है। और मैं आपको इस तरफ दिखा रहा हूँ जो कि गरुड़ जी हैं अंदर। ऐसे हो के ये मंदिर बहुत सुंदर है और यहाँ पे ये जो महाशय है इनका फोर फादर यहाँ पे पूजा पद्धति करते थे और ये यहाँ पे पूजा करते हैं। मैं उनसे थोड़ा पूछ लेता हूँ क्योंकि वो तेलुगु बोलते हैं, तेलुगु में कुछ बोलेंगे। गुरुगर में पेरेटी मुरली कृष्ण महाचारी మీది ఎప్పటి నుంచి ఇక్కడ పూజ చేస్తున్నారు? మే ఉన్కో పూచా ఉన్కా నామ బోలే ఆర్ మే పూచా కి కిత్నే సాల్ సే ఆప్ కర్ రహే హైన్ తో బోల్ రహే హైన్ కి జబ్ సే మందిర్ స్టార్ట్ హువా ఉస్ టైమ్ సే హమారా గ్రాండ్ ఫాదర్ సబ్ యహాన్ పే పూజా కర్కే చల్ రహే హైన్ ఇన్కా చార్ జనరేషన్ యహాన్ పే పూజా కర్కే జా రహే హైన్ ఆర్ యే మందిర్ కా నజారా దేఖియే కిత్నా సుందర హై ఆర్ యహాన్ పే సుబహ్ ఆదమీ ఆతే హైన్ और आप तो जानते हैं भगवान कृष्ण रोमांटिक गॉड है और उनको म्यूजिक वगैरह सब पसंद है। यहाँ पे म्यूजिक का भी काम होता है, म्यूजिक आग बजाते हैं। ऐसे हो के बहुत सुंदर सा मंदिर बनाया गया है। यहाँ पे कल्याण मंडप भी बनाया गया है जो कि शादी वादी होने के टाइम में ये लोग देते हैं। ठीक है, इतना करके मैं आगे चलता हूँ। आगे जाके और कुछ वीडियो आपको मैं दिखाऊँगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा कमेंट लिखिए और ये सब चीज़ को आप ज़्यादा शेयर करेंगे तो आगे जाके हमारा सब कोई इसको जान पाएंगे। धन्यवाद।